खिलाया लोगों को, खाया पिलाया। हटो तुम लोग थोड़ा सा। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? यहाँ पर ये बाबा जी आए थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ब्रजेश पाठक, जिस दिन ब्रजेश पाठक जी आए थे उस दिन ये भी आए थे, तो इन्होंने कहा कि जीत का पासा आपकी तरफ है, तो यहाँ पर अपना दिखा रहे हैं ये। जो ब्रजेश पाठक के आगे से उनके साथ आए हैं, उनकी कार्य पद्धति जानते हैं, उनका व्यवहार जानते हैं और उनको अपना परिवार मानते हैं। धन्यवाद। मैं भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और हम चाहेंगे हमारे परिवार में शामिल, आशा करता हूँ। अरे कुछ भी कह दीजिए भैया, दोस्तों रहते हैं। जय भारत। आदरणीय गुरु त्रिपाठी जी, बहनों, भाइयों, माताओं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग मिलकर भाजपा पार्टी को जिताएं, वोट दें और हम, हमारे साथी, हमारा पूरा परिवार सब आपके साथ है। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, बहुत अच्छा लगा। अरे अरे, भाजपा की चार दिन हमारे राजा साहब बैठे हैं, हमारे राजा बैठे सारे हमारे साथ। नागदेव, जीत का पासा तो हमारे भगवान की कृपा से, सारे भगवान की कृपा से सारे हमारे दीदी बेटी, बड़े साहब, हे बड़े साहब, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, तुम्हारा भी छोड़। भूल गए तो कभी भूल गए, हम जो हैं जीत का पासा हो रहा है, अब रोते रहेंगे, बोरों में तेल भरेंगे। साहब लोग, हमारे राजा लोग, बोलो शोभन सरकार की, बोलो शोभन सरकार की जय। हमारे साहेब का विजय रहेगा। हमारे साहेब
योगी फकीरों की दुआ लग जाएगी, योगी फकीर की दुआ लगेगी। और यहाँ पर बनाने जा रहे हैं लड्डू, ये नारियल का लड्डू है, नारियल जो हरा वाला आता है, कच्चा नारियल ले आए थे तो उसी का लड्डू बनाएंगे। तो इसमें अगर 1 kg नारियल का ये निकला है कसने के बाद में, तो इसमें 1/2 kg चीनी पड़ जाती है। तो इसको हमने चीनी डाल दी है पहले, उसके बाद में ये डाल दिया है नारियल। और अगर आप थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट करना चाहें नारियल को, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है क्योंकि इसमें नारियल में तेल होता ही है, ऐसे भी होता है। तो इसको इसमें चीनी डाल दी थी, उसको चलाते हुए इस तरीके से पकाते रहेंगे। और पता है वो ट्राईपॉड नया आया, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा ऊपर का जो मोबाइल लगाने वाला वो है ही नहीं, तो उसको अलग से मंगाया। ट्राईपॉड अच्छा है लेकिन वो दोबारा दूसरा मंगाना पड़ा, तो इसलिए। और ये वाला ट्राईपॉड है बिल्कुल ही टूट गया, इसको हाथ में पकड़ के ऐसे ही बना रहे थे, उसको लटका दिया है थोड़ा सा मोबाइल में बस, तो इसलिए वो गिर रहा था, इसलिए ये सही से बन नहीं पाया। और लड्डू के लिए ये देखिए, उसमें बिल्कुल भी चाशनी ना बचे, पानी ना बचे। उसके बाद में इसको उतार लेना है और उसके बाद में हल्का सा ठंडा करना है। और ये जो है मिश्रण जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसके बाद में अब हम लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का हल्का पानी हाथ में लगा लेना है। पानी लगाने के बाद में ये लड्डू अच्छे से बन जाते हैं, हल्का सा गुनगुना रहे तभी बना लें, नहीं तो और टाइट हो जाएगा। तो इसको ऐसे इस तरीके से फैला दिया, हल्का सा ठंडा हो गया, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और उसके बाद में लेना है थोड़ा सा पानी, तो ये छू के देखा तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा, तो अब हम ले लेंगे 1 कप में पानी और लड्डू बनाएंगे। और ये जो हमने वीडियो दिखाया ये उस दिन जब ब्रजेश पाठक जी आए थे, तो उस दिन वो बोल रहे थे, वो जो महात्मा जी सांप को लिए घूम रहे थे, तो बोल रहे थे कि जीत तो योगी मोदी की ही होगी, तो यही सब कह रहे थे। तो रिद्धि उसको रिकॉर्ड कर लिया, और इस तरीके से हाथों में पानी लगा के, और इजीली बन जाते हैं लड्डू, बहुत ही आसान रहता है, थोड़ा सा पानी लगा लें बस, लड्डू बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। और ये लड्डू ना जो सूखा वाला नारियल होता है उसके भी अच्छे बनते हैं, लेकिन इसके जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम जैसे सौंधा सौंधापन आता है। ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये नासिक में थोड़ा सा सस्ता था नारियल, वहाँ पर 10 रुपये का ले आते थे, जो यहाँ पर 40-40 रुपये का आजकल मिल रहा है, तो वो ले आते थे। फिर हम 4-5 ले आते थे, खूब बनाते थे लड्डू, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसे खाने के बाद में पेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से पानी लगाते हुए हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और पहले सुबह काजू कतली बनाई थी, बनाया तो सुबह नहीं बनाया, तो एक साथी था, लेकिन वो कल दिखाई थी काजू कतली, और लड्डू ये आज दिखा रहे हैं। तो ये प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाया था, तो वही आज हम दिखा रहे हैं इसको। आज वॉइस ओवर ही किया है, आज मन नहीं था, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता है वो कुछ भी करने का 3-4 दिन, तो कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन 3-4 दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहे, डिप्रेशन समझ लो, ऐसे ही अगर परेशान होते रहे तो डिप्रेशन हो जाएगा। और पति पति कहते हैं पति देव होता है, ऐसा नहीं कि देव, लेकिन पति होता है, देव नहीं होता है। देव देवता देखो जो हैं वो वही सही हैं, जो देवता हैं वो देवता हैं, और पति हैं इंसान हैं, इज्जत अगर कराते हैं तो उनकी, अगर वो औरत को सम्मान देते हैं तो इज्जत की जाती है। हम यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं, लड़कियों की शादी के बाद में फिर कुछ नहीं देखा जाता। और गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे 15-16 साल की हुई बस शादी, तो ये शादी के चक्कर में ये बर्बाद करके रखा है। और लड़कियां जो हैं कुछ करती नहीं हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा ही परेशान किया जाता है। इसलिए लड़की को हमेशा ही पढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे सपने होते हैं, सब चूर चूर हो जाते हैं, तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ाएँ ज़रूर।